एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज एक बहुत ही खुशी का दिन है कि हम लोगों को राष्ट्रपति निवास में इनवाइट किया गया है। तो मेरे साथ हैं तुषार भाई और अनुज भाई और शिवानी दी, अभी आने वाले हैं, उनके साथ जीजू भी होंगे और लक्की भी आ रहा है। तो हम लोगों की पूरी टीम जा रही है राष्ट्रपति निवास में। हम लोगों को एज ए इन्फ्लुएंसर वहाँ इन्वाइट किया है लंच पे। उसके बाद देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ फिर कैसा कैसा या फिर क्या क्या होता है। ठीक है, एक्साइटेड है आप लोग? हम लोग तो बहुत। हम फिलहाल पहुंच चुके हैं दिल्ली और हमारी एक नई ज्वाइनी जिसने मेरे को ज्वाइन किया है, ककुल, ये भी हमारे साथ जा रहे हैं और हम अब वेट कर रहे हैं लक्की और शिवानी दी का। तो जैसे ही वो आ जाते हैं इसके बाद जाएंगे फिर आगे। फाइनली गाइस, आधा घंटा वेट करने के बाद दी आए हैं और ये दी और जीजू है इसमें पीछे। अब हम लोग जा रहे हैं और हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, 10:30 का टाइम था, 10:45 हुए हैं, 45। देखते हैं, जाते हैं अब क्या बनता है। तो फाइनली एक घंटा वेट करने के बाद पहुंचे दी। तो गाइस हमारा मजाक उड़ा जा रहा है क्योंकि हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं यार, हम जो है पर वो आप नहीं कोई बात नहीं। तो हम लोग पहुंच नहीं, आपने यहाँ दिखना है इस साइड, कहीं भी नहीं दिखना आपने। तो फाइनली जो हमें पोस्टर दिखा था ना सामने, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, वाओ, ब्यूटीफुल। फिर उसके बाद हेलीपैड ले चलते हैं। सही है। तो गाड़ी अगर पैदल जाना चाहोगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमारी एक सरकारी गाड़ी खड़ी है, उससे आपको अलग अलग ट्रिप में ले जाया जाए। सही है। अच्छा, वो भी अगर अच्छी बात है। क्या तुतुल पुतुल, वीडियो नहीं देंगे ना? किसको? किसको? जीजू, मैंने तो पहले ही बोला था सबसे पहले मिल जाएगा आपको। सबसे पहले आप भी। कैसा लग रहा है राष्ट्रपति भवन? सौ बात पूछ चुके तुम लोगों से एक ही सवाल, अच्छा ही लग रहा है। अनफॉलो करो, रिमूव करो, ब्लॉक करो, जितना कर सको। पूछोगे तेरे को पता नहीं है। मैम प्लीज, हाई गाइस, रंगबिरंगे क्रिएटर्स हैं, रंगबिरंगे। हां, लाल पीले, लाल पीले, हां लाल पीले, ठीक है। कैरेक्टर वाइज आप अपना बताओ प्लीज, आप क्या करते हैं? हां, तो मेरा नाम अनिका है और मेरा चैनल का नाम है अनिकास बिल्कुल हिमाचल और मैं न्यूज़ के मुद्दे कवर करती हूं। मैं पहले जर्नलिस्ट चैनल में लंदन टॉक में भी काम किया है, लेकिन अब मैं अपना पर्सनल जर्नलिज्म शुरू कर रही हूं। मतलब हमारे सॉन्ग आएंगे तो आप न्यूज़ लगाएंगे, हमारे न्यूज़ इंटरव्यू लेंगे, हमारा लगाएंगे बिल्कुल। तो बाकी ये लोग मेरी टीम है, इधर का कूलर, वो इनको तो जानते ही आप सब लोग। और यहाँ पे आज इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर है, मोटा ही है, ये कोई पैसे नहीं लेता है, इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर है। हाय हाय, इसको तो जानते हैं, मेरा छोटा भाई लकी भाई, और इनको भी आप जानते हैं आपके ब्लॉग में। हेलो, ये किसका है? कैसा लगा लकी? बहुत, मैं ना बहुत नर्वस हो गया, गाड़ी में मैंने कभी भी नहीं आया हूँ। मेरे को देख के ऐसा हौसला दिखा रहा है, आपको देख के बहुत हौसला मिलता है मेरे को यार। मेरा छोटा भाई नहीं है? चलो ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा विजिट करते हैं, चल रहा है क्या? तो देखिए, ये है राष्ट्रपति भवन और सभी इन्फ्लुएंसर हैं यहाँ पे, जितने भी हैं। बेहतरीन सब लोग हैं वहाँ पे।
कितने व्लॉग्स चले? नहीं नहीं बोल लो, बेइज्जती करनी होगी कुछ। अच्छा सुनो, गाड़ियों में जाएंगे भाई हेलीपैड? गलत फीलिंग है आपकी, बहुत ही गलत फीलिंग है। सॉरी गाइस, नहीं नहीं कहीं नहीं बगा रहे, हमें हेलीपैड का खाने को दिया है ना गाड़ी। मेरे को भाई, मेरे को किसी ने मीठा पूछा ही नहीं, मीठा ही नहीं पूछा मेरे को किसी ने, पूछा क्या सामने। ओके गाइस, सो ये देखो, ये भाई लोग हैं। हेलो 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 हेलो, वही करते हैं जो आज की डेट में हर न्यू अपनी गड्डी के साथ करना चाहता है, और मॉडिफिकेशन। इतना मजा आते हैं ना उनके वीडियो देखकर, जो ये डांस करते हैं ना नाटी, नेक्स्ट लेवल। लव यू भाई। और हमारे जैसे कुछ भाई कुछ भी नहीं आता है ना नाटी, सही बात है ना, सॉन्ग समझ आते हैं, हिमाचल के उनको नहीं आता भाई। एक एक क्राउड है। गाड़ी ले दादा, आप प्लीज इंप्रूव करा दो ना, कि आप मॉडिफिकेशन करवा प्लीज बताओ। गाइज, हमारे चैनल का नाम है इंजीनियर सिंह और दूसरे का नाम है सिंह लाइफ। हम गाड़ियों को मॉडिफाई करके उसको ऐसा बना देते हैं कि वो पुलिस वालों से बच के और लड़कियों के पास मतलब ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं लड़कियों को। तो आप आ सकते हैं, अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवा सकते हैं हमारे पास से, बहुत ही कम प्लेस। हाँ प्लेस, आप महली के पास आएंगे, आपको गूगल मैप पे भी मिल जाएंगे, हम हर जगह मिल जाएंगे। ESA इंजीनियर सिंह ऑटोमोबाइल्स। आप सिर्फ कार मॉडिफिकेशन शिमला भी डालोगे ना, तब भी आपका भाई है। सब लोग जितने भी आप लोग आओ कितने भी है, तो लकी कैसा लग रहा है आगे भाई? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक बार लोकेशन चेक करो यार, देखो पीछे देखना पूरा। लकी ने मुझे बताया, बोले लकी कभी सोचता था कि मैंने आना है। और मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मेरे माँ बाप जब इस ब्लॉग को देखेंगे ना, शायद उनको ऐसा लगेगा कि यार नहीं गलत नहीं कर रहा है यार, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ यार मैं। यही तो चाहिए लकी सही है जिंदगी में, यही तो ऐसा लगता है ना भाई कि हम टाइम ठीक ठीक हो रहा है भाई, तो ठीक हो। हम लोग हेलीपैड में कुछ बोलना चाहोगे? वाह तो भाई सिस्टम डायरेक्टर जी भाई अपने, थैंक यू सो मच गुरु भाई, आपने मेरे को मेरी अपनी वीडियो में लिया। भाई बहुत बेहतरीन कलाकार है और काफी टाइम से कर रहे हैं काम हिमाचल इंडस्ट्री में, और आपको बहुत बड़ा योगदान है भाई। थैंक यू सो मच, बहुत लोगों को आपने इन्फ्लुएंस किया है, जो नए मतलब जनरेशन है उन लोगों में से बहुत लोगों के आप इंस्पिरेशन हो। थैंक यू, नहीं इंस्पिरेशन आप भी हो भाई, आपने जिस तरह से प्रमोटर ऑफ द कल्चर है ना, मतलब जो कल्चर से प्यार है, एक जो देवी देवता जो कल्चर है हमारा, उनसे जो प्यार है, वो जो बातें है ना, वो सुन के ना जो आजकल का यूथ है ना, जो कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ नशे की तरफ जा रहा है, कुछ कहीं और जा रहा है, उनको एक डायरेक्शन मिलती है। थैंक यू सो मच, ठीक है। मैं बस यही चाहता हूँ कि पूरे हिमाचल वाले जो है वो हिमाचल को आगे बढ़ाए भाई, वसुदेव कुटुंबकम चाहता हूँ मैं तो, कि पूरा हिमाचल का एक क्रिएटर एक साथ रहे जैसे अभी है। हालांकि राष्ट्रपति जी के इन्विटेशन पे आए हम लंच, बट मैं ऐसे चाहता हूँ कि सब लोग जो है ऐसे साथ रहे हमेशा। ये मेरे बड़े भाई है और नहीं एक्चुअली भैया जो है मेरे को इंस्टीट्यूट में मिले थे पहले, जहाँ से मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी है, और बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं भैया। भैया का नाम मुझे पसंद है पहले तो, जो सोशल मीडिया पे ओ आ रहा भाई जी, ऐसा थोड़ी ना होता है, ओ आ रहा भाई फोटोग्राफी। भाई कुछ कहना चाहेंगे हिमाचल की जनता, क्योंकि आपको पता है मेरी ऑडियंस कैसी है। मेरी ऑडियंस वो है जो मम्मी पापा के एज वाले, और है हमारी एज वाले भी लेकिन कम, और जो कल्चर और वैसे वाला है, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो क्या बोलना चाहूंगा यार, आप खुद एक प्योर पहाड़ी है। हाँ मतलब ठीक है, बी अ प्राउड पहाड़ी, मैं तो ये बोलना चाहूंगा। आप कहीं से भी हो प्लीज आपस में डिस्क्रिमिनेट ना करें, ये इस डिस्ट्रिक्ट का उस डिस्ट्रिक्ट का, हम सब लोग पहाड़ी हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और ट्रूली बी अ प्राउड पहाड़ी। ठीक है, याद रखना वी आर हिमाचली। अब हम कहाँ जा रहे हैं? चलो बाद में बता दूंगी मैं छुट्टी कहाँ गए, मैं वॉइस ओवर डाल दूंगी, कोई प्रॉब्लम भी है नीचे। तो यहाँ पे क्लॉक रूम है, अपने बैग्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, और नीचे मेडिकल रूम भी है, यहाँ पे आर्मी के रूम है। अगर कभी मेडिकल इमरजेंसी हो तो इन केस, तो यहाँ पे आर्मी के जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे स्टाफ, हाँ पूरा स्टाफ यहाँ पे रहता है आपकी सुविधा के लिए। सो फाइनली आप लोग देख रहे हैं फिलहाल जैसे यहाँ का मौसम है, बारिश होने वाली है, और हम लोगों के लिए जो है स्पेशल अम्ब्रेला दिए गए हैं सब लोगों को। की साड़ी में
लगा दी तू जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू आई 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 बिल्कुल इसी तरह आप लोग भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं तो प्लीज विजिट करिए इधर और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अंडररेटेड प्लेस है क्योंकि शिमला में सारे ओवररेटेड प्लेस हो चुके हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं आप देख सकते हो कि अंडररेटेड मतलब कि अभी लोगों को पता ही नहीं है रेटिंग कहाँ से हो जाएगी तो अंडररेटेड है ना नहीं भाई अंडररेटेड ही है तो हम आगे ऐसी सुहानी जगह में सुहानी जगह सुहाना मौसम सुहाने लोग बारिश भी हो रही है तो हम आगे टॉप पे ये जो अजूबिया पहाड़ दिख रहा है ये मशोबरा है मशोबरा गांव अच्छा ये वाला है ना यहाँ पे ये मशोबरा गांव दिख रहा है मशोबरा टू की बिल्डिंग जाइए वाली ओके 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 इस तरह और जैसे बोलते हैं इसे जंगल मशोबरा ही बोलते हैं ना भी इसका जंगल मशोबरा है काफी डेंस फॉरेस्ट है ये भी काफी वाइल्ड लाइफ होती है यहाँ पे भी और सामने शाली टिब्बा का भी आप अच्छा, दिखा सकते हैं दर्शन भीमा काली माता का मंदिर है जी 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 वो जो बिल्कुल पीक वो टॉप पे है टॉप पे बिल्कुल जो माउंटेन सरानोरी भीमा काली शाली नगरी वसाई तो वो शाली माता है भीमा काली माता जय हो जय भीमा काली की और थैंक यू सो मच अजय भाई और सब लोगों विजिटर्स को यही है कि आओ ये अभी प्लेस उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं है और आपको पता है शिमला में सब लोगों की एक ही होता है कि कहाँ घूमना मॉल रोड यही और सब लोग पक गए ऐसा तो ये बिल्कुल यहाँ पे आए देखो आप बिल्कुल नेचर है चारों साइड को देख रहे हो आप नेचर ही नेचर है और शांति है सबसे ज्यादा शांति महसूस पीस लवर्स के लिए बेस्ट जगह है बिल्कुल बिल्कुल अच्छा भैया मुझे एक चीज और बताओ यहाँ पे ना जैसे कई लोगों को पता नहीं है यहाँ पे कब से ओपन हुआ है और कितना टिकट टिकट कैसा है मतलब क्या यहाँ पे टिकट लगता है वैसे टिकट तो एक नॉमिनल अमाउंट है थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए 50 rupees का एंट्री टिकट जिसमें की गाइडेड टूर मिलता है साथ में आपको यहाँ के जो नॉलेजेबल गाइड्स हैं वो काफी बिल्डिंग की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताएंगे और उसके अलावा ऑप्शन सभी है कि टिकट लेके आप हेलीपैड भी घूम सकते हैं नेचर ट्रेल पे आ सकते हैं ऑर्चर्ड ट्रेल पे जा सकते हैं मेन बिल्डिंग एरिया को भी घूम सकते हैं 50 rupees है इंडियन नेशनल्स के लिए और फॉरेनर टूरिस्ट के लिए 250 rupees ओके ओके तो देख लो यार 50 rupees में इतना अच्छा प्लेस मिल रहा है और क्या चाहिए आप लोग जाते हैं बहुत सी जगह वहाँ पे आप इतने महंगे पैसे देते हैं तो 50 rupees में अगर आपको इतना तो मुझे बहुत प्राउड फील करोगे आपके आप राष्ट्रपति के घर में घूमने का सबसे बड़ी बात तो यही है मतलब अगर कोई बोलेंगे कि कहाँ घूमना है राष्ट्रपति में है मजाक नहीं कर होता ही ये सबके मन में होता है ना तो देखो और मैं जो हमारे राष्ट्रपति जी है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि सच में उन्होंने ये सोचा कि विजिटर्स के लिए उनका विजन काफी होता है कि इतने बड़ा एरिया प्रीमिसेस है तो लोग भी आके देखें इसको बिल्कुल ना ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हम लोग हिमाचल के होते हैं और हम लोग घूम सकते हैं और हिमाचल के पूरे इंडिया वाले घूम सकते हैं बिल्कुल तो थैंक यू सो मच और आपका भी अजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद तो फाइनली मेरा ब्लॉग यहीं पे क्लोज हो रहा है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग जिसको बोल सकते हैं अमेजिंग प्रॉपर्टी है और मैं आप लोगों सबको बोलूँगा आप विजिट करें 50 rupees चार्जेस है और 50 rupees में इतनी शांति वाला प्लेस मिलेगा भाई साहब और हम लोगों को इतनी इज्जत बख्शी उसके लिए हाथ बहुत धन्यवाद तो यहाँ के स्टाफ का बिल्कुल बिल्कुल सभी का थैंक यू करना चाहूँगा और गाइस आप लोग ज़रूर आए विजिट करें और हमें बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा